कालांवाली अनाज मंडी में सरसों की खरीद को लेकर दी कालांवाली को ऑपरेटिव एवं मार्केटिंग सोसाइटी की ओर से आढ़ती एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सरसों की खरीद के समय किसानों व आढ़तियों को आने वाली परेशानियों को लेकर चर्चा की गई। सोसाइटी के चेयरमैन हुमान गोदारा ने बताया कि सरकार के आदेश अनुसार सरसों की खरीद के लिए हैफेड द्वारा आढ़तियों को हेडलिंग एजेंट नियुक्त किया है। इस बार हैफेड द्वारा सरसों की खरीद आढ़तियों के माध्यम से खरीदी जाएगी, जिसके लिए आढ़ती को 40 रुपए प्रति के हिसाब से कमीशन दिया जाएगा। न्यू न्यूज फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह के साथ कालावाली से चानन सिंह की रिपोर्ट। एसोसिएशन के जितने भी प्रधान हैं उनको बुलाया गया था। इस सरसों की खरीद जो 28 तारीख से शुरू हो चुकी है, उस सरसों की खरीद को किस प्रकार से मार्केटिंग सोसाइटी खरीदती है, तो उसी में से इन आढ़तियों को एक अलग से हैंडलिंग एजेंट नियुक्त करने के बारे में आज मीटिंग थी। आगे की रणनीति ये है कि सरसों की खरीद जिस प्रकार से सरकार के नियमानुसार इतनी 8% जो उसमें नमी होनी चाहिए, और गांव वाइज जो दिनांक जिस गांव की बनती है उसी दिन वो आढ़ती के पास अपने सरसों बेचने के लिए लेके आएगा, और गांव वाइज के हिसाब से जो पोर्टल पर उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन हुई है किसानों की, उसी हिसाब से किसानों की जो सरसों है वो आढ़ती खरीदेंगे, लेकिन थ्रू हैंडलिंग एजेंट के तौर पर वो हमारी सोसाइटी के थ्रू ही सरसों की खरीद कर पाएंगे। हाँ, सेंटर ओडा सेंटर बनाया गया नया है, इस बार पहली बार ओडा सेंटर में भी खरीद की जाएगी, और ओडा सेंटर में भी इसी प्रकार से हैंडलिंग एजेंट नियुक्त किए जाएंगे।